जो आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय टू जो हमारा, एक मिनट सुन लीजिए, आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय टू का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सभी। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के परिवार के ऊपर में 53 करोड़ से ज्यादा के ठेके नियमों को ताक पर रख के दिए जाने का आरोप लगा, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तारकिशोर प्रसाद के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने यह तक कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उनको तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतना मजबूर मुख्यमंत्री उन्होंने आज तक नहीं देखा है। इन तमाम आरोपों के बीच में सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे तारकिशोर प्रसाद, और उसी बीच में अब तारकिशोर प्रसाद ने पहले प्रेस नोट जारी करके सफाई दी और अब उनका बयान भी सामने आ गया है, जिस बयान में उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। तारकिशोर प्रसाद के मुताबिक उन्होंने या उनके परिवार के ऊपर जो ठेके देने का आरोप है, वो तो डिप्टी सीएम उस वक्त थे ही नहीं, वो 4 बार विधायक रह चुके हैं। एक गांव में 1.25 करोड़ के आसपास के एक ठेके का मामला जरूर है, लेकिन वो साल 2019 की बात है और वो काम भी पूरा हुए हुए एक लंबा वक्त हो गया है और उस गाँव के लोगों ने आज तक उस पूरे काम को लेकर के कोई शिकायत नहीं की है। ऐसे में तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, सुनवाते हैं आपको। उस चारों इकाई से दिया जा रहा है, ग्रामीणों को मिल रहा है और एक वर्ष में कोई शिकायत भी नहीं है, तो इस तरह की बातों को करना कोई उचित नहीं है। और इसलिए हम लोग जो आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय टू जो हमारा, एक मिनट सुन लीजिए, आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय टू का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सभी एनडीए के साथ ही लगे हुए हैं और बिहार एक विकसित बिहार के रूप में देखे, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि किस तरीके से तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि जानबूझकर के तेजस्वी यादव मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह के का एक बेबुनियाद और झूठा मामला खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव क्योंकि खुद 5 करोड़ रुपए लेकर के टिकट नहीं देने के मामले में अब उन पर FIR हो गई है कोर्ट के निर्देश के बाद, तो मामले को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में NDA जो सरकार है वो पूरी तरीके से विकास को लेकर के संकल्पित है और आने वाले वक्त में जो सरकार ने जो वायदे किए हैं बिहार की जनता से चुनाव के पहले, उस पर काम किया जा रहा है। तेजस्वी यादव समेत विपक्ष हल्ला करते रहे, उनको किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने या उनके परिवार ने कोई गलती नहीं की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।